नमस्कार, मैं हूँ रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, और इसी बीच जो हमारे राजनेता हैं वो जो हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही बाइकल्ला के पूर्व विधायक एमआईएम पार्टी के वारिस पठान ने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसे लेकर सियासी माहौल पूरा गर्म हो गया है। उनका कहना है कि 100 करोड़ जो हिंदू हैं वो उस पर जो है 15 करोड़ जो मुसलमान हैं वो भारी हैं, और उनके इस बयान को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या वारिस पठान के इस बयान से वो इत्तफाक रखते हैं या नहीं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वारिस पठान ने बोला है कि 100 करोड़ हिंदू पर 15 करोड़ मुसलमान भारी हैं, आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? वारिस पठान का जो बयान है बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सब एक दूसरे के भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं, और हिंदुस्तान की ये गंगा यमुना तहजीब को जो भी नुकसान पहुंचाएगा हम उसके खिलाफ़ है। और वारिस पठान का जो बयान है बिल्कुल सरासर गलत है, और हम इसकी मुकम्मल तौर से और पूरी पुरजोर से मुजम्मत करते हैं। और ये वारिस पठान का जाति और उनकी पार्टी का ये बयान हो सकता है? हिंदुस्तान के ये लोगों के कोई लीडर नहीं है ये, वो एक अपना अलग स्टेज है उनका, एआईएम का, वो अपने तौर से कुछ भी बोले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान गंगा जमनी तहजीब पे और यहाँ के सेकुलर पे भरोसा रखता है। क्या आप वारिस पठान से माफ़ी मांगने की डिमांड करेंगे? बिल्कुल डिमांड करेंगे, ये गलत चीज़ है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वारिस पठान उन्होंने इनकार कर दिया माफ़ी मांगने से कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। वो इनकार करते हैं किसी धर्म का नाम नहीं लिया तो गलत चीज़ है ये, उनका दोगली पॉलिसी नहीं करे। अब आवाम समझ चुकी है उनकी दोगली पॉलिसी, इसके लिए उनको आपकी हार मिली है, जो इलेक्शन में हार मिली है उनकी यही दोगली पॉलिसी की वजह से मिली है। आप क्या? वारिस पठान पागल हो गया, जब से इलेक्शन हारे हैं तो कुछ भी अंडसंड बक रहे हैं, इसके लिए उसकी बात दिल पे ना ले, सब अपनी तरफ से अपना अपना काम करे। क्या उनके बयान से आप सहमत हैं या नहीं? गलत बयान दिया, बिल्कुल गलत बयान दिया वारिस पठान ने, ये तरीका नहीं है बयान देने का, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सब मिल के रहते हिंदुस्तान सबके। चाचा, क्या असदुद्दीन जो ओवैसी हैं क्या उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, आपको ऐसा लगता है? ओ भाई, उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने, हम तो ये जानते हैं कि वो ऐसा बयान नहीं दे कि यहाँ के लोग के अंदर नफरत पैदा होए, ऐसी बात करें कि लोग एक दूसरे से मिले। और आज एनआरसी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे बहुत से भाई हैं जो मिल के हमारे साथ में एनआरसी और सीए और एमपीआर के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, हर कोई हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के हुकूमत को वापस लेने का मुतालबा कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसने बहुत ही गलत बयान दिया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का बयान दिया है, जबकि यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, कोई एक दूसरे पर अटैक करना नहीं चाह रहा है और स्थिति बनाए हुए। ये जो बयान दिया है इसने लोगों को लड़ाने वाला दिया है, कोई एक दूसरे से आज के तौर पर लोग तरक्की के मामले पर बढ़ना चाहते। राम मंदिर का फैसला जब आया तब मुसलमानों को ज़्यादा समझाया गया कि फैसले को आप स्वीकार करिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद कश्मीर का इशू हुआ, 370 जो है हटाया गया वहाँ से, और अब सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, वारिस पठान का ये भी कहना है कि हम ही सिर्फ ऐसा बयान थोड़ी दे रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के बयान देते हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन होता? बीजेपी के जो दूसरे लीडर हैं वो भी शाहीन बाग को पाकिस्तान बोलते हैं, बिरयानी खिलाने का नाम लेते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, ये जो दलील दे रहे हैं वारिस पठान, क्या आप इससे इत्तफाक? देखो भाई, दलील तो बहुत सी देने को है, लेकिन मुल्क का एक निज़ाम है, कोर्ट है, उनके खिलाफ़ कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि ऐसा बयान देके लोग में नफरत फैलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपका। ये थे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये बता रहे थे कि वो वारिस पठान के बयान से इत्तफाक नहीं रखते, ये हिंदुस्तान सेकुलर है और हमेशा सेकुलर ही बना रहेगा। कैमरामैन सद्दाम पटेल के साथ रेहान हुसैन, मुंबई प्रेस, मुंबई।